हम वापस जो है सुलह की तरफ आते ही नहीं है और हमारी अना बीच में आ जाती है हमारी ईगो आ जाती है कि भाई हम क्यों पहल करें हम क्यों सुलह करें लानत पड़ सकती है कि आप जो ये काम कर रहे हैं बात बात पे आप खुदा की कुरान की वल्दान की कस्में उठा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आज़माता है अगर वो अल्लाह से राजी रहे तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है अगर वो नाराज़ हो जाए अल्लाह से तो अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है एक मकाम पर फरमाया कि उमा सब मुसीबत मैं कसदी कम कि जो मुसीबत तुम तक आती है वो तुम्हारे अपने ही जो है हाथ से बोया हुआ बीच है जब भी सिंगल रास्ता इस्तगफार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमी की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी आपने दो टोक फरमाया के कतारहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है क्या दूसरे को भी हम जान सकते हैं कि ये जो है ये शख्स मोमिन है हम अल्लाह के पाबंद है वो अपने नफ्स के पाबंद है तो जिसने नफ्स की गुलामी में चलना उसने तो कहना हर चीज़ जायज़ करार दे दो बर्दाश्त का जा... बीच है सर वो कैसे मतलब पैदा होगा शैतान को शिकस्त देकर तो हम जो है उस चीज़ को कैसे मतलब फौरी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं जो रिश्ते हैं ना मेरा ख्याल है वहां पर बचत इसी में है कि कहते हैं कि रिश्तों में हार जाने वाला ही जीतता है सूद जो है वो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है तो अभी चलें एक तो खुश आइन बात है कि 2028 में ख़त्म होने जा रहा है ऐसा ना हो कि हम आ, कोई ऐसी अमेंडमेंट कर बैठें कि दिल को तसली हो कि हम पास हो गए हैं। सही लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चले किए बसमान रही अलिकम नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान का सफ़र और मैं हूँ आपका होस् सैद शब खरी खातिनों हजरात आज का हम अपना प्रोग्राम इस शेर के साथ शुरू करेंगे कि हर शख्स तेरी तोसीफ़ो सना करता है मेरा हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है रिस्क पहुँचाता है पत्थर में छुपे कीड़े को तो ही सूखी हुई शाखों को हरा करता है बड़ा नादाँ है तुझको दूर समझने वाला बड़ा नादाँ है तुझको दूर समझने वाला तू तो रगे जहाँ से भी नज़दीक रहा करता है ख़वानों हजरात लेकिन उन पाक में अल्लाह ताला ने शाद फरमाया है कि हनु नकरबिन वरीद कि हम इंसान के इशारक से भी ज़्यादा करीब तर हैं लेकिन आज का इंसान खवातिनों हज़रात देखते हैं कि खुदा ताला से गाफिल हुआ बैठा है उस उसन पाक जैसी अजीम दौलत से कि जिसकी वजह से हज़ारों लाखों करोड़ों ज़िंदियाँ बदली हैं और इंसान जो है वो अपना कुफर छोड़ कर मुसलमानियत के दायरे में आया है जब चौदह सौ साल पहले हम जमाने जहलीय को देखते हैं तो आज हम अपने माशरे में जब नज़र डालते हैं तो खातिनों हजरात हमें वही कुछ बुराइयाँ ऐसी नज़र आती हैं जो आज माशरे में इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि इंसान उनमें डूबता चला जा रहा है और उसकी असलाह के लिए क्रोने क्रीम जैसी अजीम किताब को छोड़े हुए हैं और खुदा ताल से गिला कर रहे हैं यकीन ख़वान वजरात दीन इस्लाम हमारे लिए ऐसा खूबसूरत पॉजिटिव मज़हब है कि जब आप कोई ग़म पहुँचता है तो इस्लाम ने आपको सब्र करने की तलकिन की है आपके साथ कोई गुस्सा करे तो आपने आगे से बर्दाश्त करना है आपके साथ कोई ज्यादती करे तो आपने उससे बदला नहीं लेना तो ख़वातन हज़रात इस्लाम ने तो हमेशा इंसान के लिए ज़िंदगी में हर मोड़ पर उसकी रहनुमाई की है लेकिन आज का इंसान इन तमाम चीज़ों से अपने आप को गाफ़िल करके खुदा ताला से गिल शिक्वे कर रहा है तो एक कौन सी ऐसी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आज हम कुरान से दूर हैं दीन से दूर हैं और माशरे में जो बुराई कदर जो तेजी के साथ जन्म ले रही हैं इसी के ऊपर बात करने के लिए इन मौजूद पर आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं एक दफ़ा फिर हमारे आज प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं बहुत दूसरे सफ़र करके आते हैं बिला गर्ज व सिर्फ दीन की बात करने के लिए कुरान की बात करने के लिए इस्लाम की बात करने के लिए जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है नेशनल पीस कमेटी पंजाब के और इस्लामिक स्कॉलर हैं आज हम उनसे से इनशाल्ला तला अपने इन मौवा पर बात करेंगे जनाब एसानल्लाह मंसूर साहब जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ अवरी का अच्छा सबसे पहले एहसान साहब हम यहाँ से शुरू करेंगे यकीन आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें ऐसा कोई शख्स नहीं नज़र आता जो कहे कि जी मैं मोमिन हूँ जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मोमिन और मुसलमानों का अलग, अलग अलग जो है कैटेगरीज़ बताई हैं और अलग अलग, अलग जिक्र किया है तो ये मुझे सबसे पहले बताइएगा कि मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है और साथ ये भी बताइएगा कि क्या मोमिन की पहचान हम खुद अपने आप के साथ अपने उन खूसियात के साथ भी कर सकते हैं और दूसरे को भी हम जान सकते हैं कि ये जो है ये शख्स मोमिन है क्योंकि मुसलमान का दावा करना तो बहुत आसान है लेकिन जो मोमिन का जो आप कहें कि जो अल्लाह ताला ने जो मकाम और जो सिफात रखी हैं उसके हवाले से थोड़ा हमारे नाजरन को बताइएगा जी बहुत शुक्रिया अलहमदिल्ल वसोल्ला अम्मा बाद आप सिर्फ़ इसमें छोटी सी तखसीस ही कर सकते हैं कि जब कोई बंदा कलमा पढ़ लेता है वह तो ही दो की गवाही दे देता है तो वह मुसलमान हो जाता है जी उसके बाद जिस तरीके से वो इस्लाम के बाक़ी अहकाम को अमला अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा तो वो स्टेप बाई स्टेप आगे से आगे बढ़ता जाएगा इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये जो डिग्रीज़ मिलती हैं ना जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह इनाम याफ़्ता लोगों की बात की तो उसमें पहली लिस्ट में जो लोग थे वो अम्बिया थे फिर ये बात की गई सिद्दीकीन सालहन शहदा तो ये है सारे के सारे मुसलमान ही ठीक है ठीक है लेकिन मसला यह है कि उनकी जो अपने अल्लाह के साथ वबस्तगी और अहकाम पर अमल करने का स्टैंडर्ड है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस लिहाज से फिर उनको एजाज दिए जाती हैं डिग्रीज दी जाती हैं तो बस इतना ही समझ लें कि जो सिर्फ़ कलमा पढ़ के एक आम ज़िंदगी गुजार रहा है आप उसको कह सकते हैं कि यह दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया लेकिन जो बंदा अपने आप को अल्लाह और उसके नबी व अहकाम में पीक लेवल पर ले जाने की कोशिश करता है वो फिर बंदा मोमिनों की कैटेगरी में आ जाता है ठीक है तो ये अब मतलब अपने आप को अगर कोई एक पाँच वक्त का नमाजी है और को ना की तलावत करता है झूठ नहीं बोलता है, तो यानी आप को ये अगर तसवूर रखे तो ये किसी गुरूत कबूर बात नहीं आती कि वो अपने आप को मोमिन तसवर कर रहे आ, मेरा ख्याल है इसमें एक चीज़ तो ये है कि हमें अपने मुँह से अपने आप को ममुन कहना यह कोतासर इतना मुनासिब नहीं है बिला अल्लाह ताला ने हमारी जो पहचान करवाने के हवाले से बात की वो यही है कि अल्लाह ने तुम्हें बतौर मुसलमान दुनिया में मुतारफ करवाया कि जब हमसे कोई पूछे कि आप कौन हैं तो हम ये नहीं वहाँ पर कहें कि जी मैं ममन हूँ हमने यही कहना है कि हम मुसलमान हैं तो, या या तो इसमें दोनों हैं जो आ, जगा, जगा जी, जगा जी, जो कुरान पाक में जगह जगह इसमें दोनों आ जाते हैं अच्छा तो दूसरी चीज़ उसमें फिर ये आ जाती है कि जो शख्स अपने मुंह से कहता फिर कि मैं नेक हूँ तो ये चीज़ को इस्लाम में इतनी पसंद नहीं की गई हती कि एक सहाबिया का नाम था जिसका मतलब ही नेकी था तो आपने उसका नाम चेंज कर दिया और कहा कि अल्लाह को बेहतर पता है कि कौन नेक है तो अपने मुँह से नेक कहलवाना या अपना तारफ़ इस अंदाज़ में करवाना ये कोई इतना पॉजिटिव नहीं लिया गया सादा मुसलमान होने के नाते आर्जी में रहते हुए हम अपने आप को पेश कर सकते हैं रही ये बात कि दूसरा कोई शख्स ये कहे कि जी फला बंदा मैं देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा इस्लाम पर अमल करने वाला है और उसमें सिर्फ ये नमाज़ें नहीं हैं इसमें बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि सबसे पहले उस बंदे के अकायद नज़रियात हैं उसके बाद कह लीजिए उसके अखलाकियात हैं फिर उसके मामला आते हैं फिर उसकी इबादात हैं ये चारों अकसाम में जो बंदा बहुत आगे चला जाता है आप उसको अपने तौर पे मुतारफ़ करवा सकते हैं लेकिन वो बंदा ख़ुद ना कहे कि भी मैं ममन हूँ ये तासर ख़ुद साख्ता है तो यही कंसेप्ट वलियों के बारे में भी कहा जाता है हाँ देखिए वली भी वही है जो अल्लाह तला ने कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह के अलिया की बात की है ना वहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो अल्लाह से डरते हैं तो जो बंदा अल्लाह से डरता है वो वलियों में आ जाएगा वो मोमनों में आ जाएगा वो मुतकीियों में आ जाएगा और जो बंदा अल्लाह की अतात नहीं करता उससे डरता नहीं है तो वो बंदा अपने तौर पे वली बनता है तो बना रहे हैं, लेकिन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है अच्छा सर मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर हम देखें तो आज हर घर में जो है अदम बर्दाश्त जो है ना बहुत जो है ना तेज़ी से देखा जा रहा है कि हमें छोटी छोटी बातों पे जो है वो वालदे के साथ बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ नाचाकी हो जाती है और उसके बाद फिर वो एक तवील नाराज़गी जो है वो चलती है तो ये आप क्या समझते हैं कि ये कोई शैतान का ऐसा वार है कि जो जो इस कदर आजकल जो है माशरे के अंदर इस कदर तेज़ी के साथ चल रहा है कि हम वापस जो है सुलह की तरफ आते ही नहीं है और हमारी अना बीच में आ जाती है हमारी ईगो आ जाती है कि भाई हम क्यों पहल करें हम क्यों सुलह करें जबकि नबी करीम की तो आदत थी कि आपने तो सुलह रहमी के ऊपर तो बड़ी जो है बड़ी फजीलत बड़ी हदीस में तो बड़ी उसका जो है जिक्र आया है तो इस हवाले से बताइएगा कि ये क्या वजह है और उसका सोलूशन क्या आप देना चाहेंगे आज अवामन्नास को देखें इसमें सिंगल ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि अगर तो हम मसाइल के हल के लिए कुरान और सुन्नत को एक मेरठ के तौर पे लें फिर तो उसका हल वो है जो मैं और अगर हमारे नज़दीक वो मेरट ही नहीं है हम उस मैार पर अपने आप को परखने के लिए तैयार ही नहीं तो फिर हमने उसका हल किसी और जगह से ही लेना है वो फिर मफादात के साथ जुड़ा होता है और जब स्टैंडर्ड मफादत बन जाएँ तो फिर उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाता है जब बात आ जाती है कुरान सनत की तो उसमें आप इस तरह समझ लें कि नबी वम ने क़़ा रहमी की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी आपने दो टोक फरमाए के क़़ारहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा एक बात यह होगी दूसरा जो आम लोगों के साथ नाराज़गी की बात है उसमें हमारे पास तीन दिन का पीरियड मौजूद है इतना वक्त हम अपनी नाराज़गी का अजहार कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर कोई नाराज़ रहता है तो वो ठीक नहीं इल्ला के शरीयत की बुनियाद पर किसी से नाराज़गी हो बाजात लोग काम ही इतना बुरा कर बैठते हैं कि फिर और एक दफ़ा नहीं करते बार बार करते हैं तो उनसे मूड ऑफ करके ये तसर देना कि आपका रवैया आप हमें अच्छा नहीं लगता वो एक अलग सेंस में आ जाता है लेकिन नॉर्मली तीन दिन तक हम किसी से नाराज़ रह सकते हैं मेरा ख़्याल वैसे भी अगर देखा जाए तो गु़स्सा जो है अगर ये इंतकाम की सोच में तब्दील ना हो तो ये चंद घंटों के बाद उतर जाता है और ये एक अलग मुसलमान की शान है कि उसको गु़स्सा लेट आता है और वो जल्दी राज़ी हो जाता है रही बात अब घरों के अंदर घरों में मामला असल में इसलिए ख़राब हो रही हैं कि हर कोई दूसरे से कैसी ऐसी तो रखता है जो मे भी वो बेचारा पूरी भी ना कर सके आप इस तरह समझ लें कि एक बीवी अपने खामन से अगर मसनू किस्म की तो वस्ता करें जो कि वो दुनिया में देखती है टी वी की स्क्रीन पर देखती है या फ़ोन की स्क्रीन पर देखती हैं तो खामन तो वो सारी चीज़ें उसको अफोर्ड करने की पोजिशन में नहीं होगा तो वहाँ भी मूड ऑफ होते हैं बाजा अवत बदगुमानियों की वजह से मूड ऑफ होते हैं और बाज़त सुनी सुनाई चीज़ें सुनी सुनाई चीज़ें जो आती हैं जिसकी तहकीक़ नहीं हम नहीं। करते उस पर भी बदगुमानियाँ आती हैं और फिर ज़ाहिर है मूड ऑफ होते हैं लेकिन जो रिश्ते हैं ना मेरा ख्याल है वहाँ पर बचत इसी में है कि कहते हैं कि रिश्तों में हार जाने वाला ही जीतता है तो इसलिए जिसकी ये सोच है कि भाई अगला बंदा ही सरेंडर करे हो सकता है बिलखसूस जो ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है कुरान मजीद में जब जादू के असरात पर बात हुई थी माजी के वाले से तो ये टच दिया गया था कि वो ऐसा जादू करते थे जो मियाँ बीवी के दरम्या तफरका डालता था तो बाज़ बाज़ात मियाँ बीवी के दरमियान जो गैप आता है उसमें यकीन शैतान का किरदार होता है तो उसको फेल करने के लिए फिर दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए ना कि एक दूसरे को कहना चाहिए कि पहले वो पहल करे मेरा ख्याल इस तरह हो सकता है तो बरदाज का, का बीच है सर वो कैसे मतलब पैदा होगा <coughs> तो शैतान को शिकस्त देकर तो हम जो है उस चीज़ को कैसे मतलब फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं देखें एक तो वही तरीक़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब आपको गु़स्सा आए तो आप शैतानिर रजीम पढ़ें दूसरा जो मेंटली हमारी ज़रूरत है कि आप मोहब्बत भी इंसानों से करते हैं नफ़रत भी इंसानों से करते हैं लेकिन जिससे आपने मोहब्बत करनी है ना तो गूगल की तरह वहाँ आपकी जो कलेक्शन है ना उसके मतलब मलूात की वो सारी पॉजिटिव होगी तो आप नेगेटिव चीज़ें कलेक्ट ही नहीं करेंगे जिससे आपको प्यार है और जिससे आपको नफरत है तो वहाँ पर आपने ऐसे नुक्ते ढूँढने हैं जो उससे मज़ीद हमें दूर करें लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे उतार चढ़ाव आ भी जाएँ तो जिस बंदे से हमारी नाराज़गी का मौका बना है, उसके जो अच्छे पहलू हैं ज़िंदगी के अहसाना हैं खैर की चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर फ़ौरी तौर पर अपने ज़हन में लेके आनी चाहिए जब हम उसकी ख़ूबियाँ अपने जहन में लेके आएंगे तो इन हमारे गुस्से का लेवल नीचे आ जाएगा और वो ताल्लक़ जो हमारा खराबी की तरफ जा रहा है वो खैर की तरफ आ रहा बिल्कुल और हदीस में भी आ, सर देखें क्योंकि वो जिस तरह जिक्र आते हैं कि नबी करीम ने जो शासा अगर आए आप खड़े हैं तो बैठ जाएँ बैठे हैं तो फिर आप पानी पिए तो आज तो साइंस भी उसी चीज़ को जो है वो इंडोर्स कर रही है कि बिल्कुल आ, जो है जो है, है सैकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो इंसान के गुस्से के कुछ सेकंड्स हैं अगर वो निकल जाएँ अगर आपने वो गुजार लिए तो फिर उसके बाद आपका जो लेवल है ना गुस्से का वो डाउन हो जाता है तो ये तो वाकई बहुत खूबसूरत बात है लेकिन अमल करने की जरूरत है अच्छा एक और चीज़ जो है बहुत हम देखते हैं कि कसम उठाने का जो रिवाज है वो बड़ा आम हो चुका है बाद पे हम कहते हैं जी खुदा की कसम मेहनत किए नहीं या मजाक में हम कहते हैं दोस्तों यारों में तो वो ऐसा एक तकिया कलाम बन चुका है कि उसके ऊपर हमें बिल्कुल पता ही नहीं कि इसकी गिरफ्त हो सकती है उस पर जो खुदा की माजल मतलब लानत पड़ सकती है कि आप जो ये काम रहे हैं बात बात पे आप खुदा की कुरान की वाल दैन की उठा रहे हैं अक्सर तो झूठी का भी जो है ना वाले बताएं कि उसमें जो जो उसके फिर नतज हैं वो क्या हैं शरीत ने जो जो ममानत रखी है उसमें क्या वजह है वाम के लिए इसमें क्या सिलाई पहलू निकल सकते हैं देखें पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हमारा स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि हमें कस्में उठाने की जरूरत ही ना पड़े मतलब आम बंदा समझे कि जो उसने बीदावे भी बात कर दी है वो सनद के लिहाज से बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने कहा है एक तो हमारा इतम का ये लेवल होना चाहिए कि हमें कस्में उठाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े दूसरी बात यह है कि अहदीस ये समझ आती है कि जब भी हम कसम उठाएं तो अल्लाह ताला की कसम उठाएं। ये जो हमारा ट्रेंड है ना कभी औलाद की उठा ली कभी किसी के सर की उठा ली ये हमारा कल्चरल अंदाज़ है और ये दुरुस्त नहीं है तीसरी बात उसमें ये आ जाती है कि अल्लाह ताला ने भी फ़रमाया कि वो कस्में जो आप इरादतन उठाते हैं उस पर गिरफ़्त है क्योंकि अरबों में आज भी ये कल्चर है कल भी था वल्ला बिल्ला कल्ला तल्ला वो इस तरह करके बात करते हैं ठीक है ना तो जो बंदा कसदन कोई कसम उठाएगा अगर वो जुटी हुई तो उस पर तो कफ हैं और अगर वो बात सच्ची है तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं एक बात ये है फिर इसमें यह है कि जो बंदा किसी बात को सच साबित करने के लिए कसम उठाता है अगर वो उस मौक़ में सच्चा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है वही बाजात कलाम में वज़न पैदा करने के लिए अगले को अतमद दिलाने के लिए भी कसम उठाई जाती है लेकिन वो जो रूटीन में कस्में उठाते हैं वो जिस तरह अरबों में कल्चर है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई गुनाह वाली बात है, है। इरादा तन जो कस्म उठाई जाएगी सोच समझ के और वो हो भी गलत तो वहाँ पर गिरफ्त होगी ये जिस तरह कल्चर में चलता है जिस तरह मैंने अरबों की दिल्कुण, मिसाल दी है तो वो फिर उस पे गैर इरादी तौर पे जो कस्में उठाई जाती हैं वो काबिल गिरफ्त नहीं है वो अलग बात है कि हमारा जो कल्चर है वो इस तरह का है नहीं हमें इससे भी अवॉइड करना चाहिए अच्छा एक और बहुत अहम सवाल है कि जो मुसीबत आने का जो एक निज़ाम है हम जब मुसीबत आती है हम कहते हैं यार यही तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ था तो खुदा की तरफ से आगे जबकि कुरुआन पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जिस तरह के बेशक दो आयतें मैं आपके सामने रखूँगा आपने उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे नाजरन को बताना है ये जगह अल्लाह तिशे नशात फ़रती है कि अमां साहबा में मुसीत न बीज निल्ला मुसीबत कोई नहीं आती मगर अल्लाह ताली की तरफ से तो एक मकाम पर फरमाया कि अमां साहबा कम मुसीबत फिर मैं कसदी कम कि जो मुसीबत तुम तक आती है वो तुम्हारे अपने ही जो है हाथ से बोया हुआ बीच है तो अब मैं पूछना चाहूँगा इन दोनों आयात को ज़रा खोल के बताइएगा कि इसका क्या मतलब है और जो मुसीबत आने का जो एक पूरा ये कन्सेप्ट है इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा अपने अमाल की बदौलत है या खुदा तौलान तकदीर में लिख दिया जिसके वह हमें क्योंकि एक इम्तिहान और उन चीज़ों को बताइएगा कि हमें कहा जाता है कि इम्तिहान नबियों पर भी इम्तिान आया अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं उन पर भी इम्तिहाना मुसीबतें आती हैं और जिस हदीस में आता है ना कि मुसीबत जब ममून को आती है तो फिर गुना भी धुलते हैं तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है ना मैं आपसे इसका जो है जवाब जानना चाहूँगा एक जर्नल असेसमेंट है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में मसाइल खड़े होते हैं तो उसके दो उसबाब हैं ओके एक सबब है कि हमारे अमाल बद जो हमने बुरे काम किए होते हैं ठीक है और दूसरा यह है कि हमारी आजमाइश तो ये दोनों चीज़ें कुरान सुन्ना से हमें मिलती हैं जिस तरह के आपने आयात मुबारक का भी तलावत की हैं एक जगह ये जो अल्लाह तला ने फरमाया ना वला नब्बल वन कम्बिशा मिनफ़ वलजो व नकसमिनमवाल वलनफसमात व व श्री साबरिन ये आय तो बता रही है कि हर बंदे पर ही इम्तहान आएगा ओके और उसकी शक्लें ये हैं वो खौफ का हो सकता है भूख का प्यास का जान माल के नुकसान का ये हर बंदे ने इससे गुजरना है वह मैं समझता हूँ कि अगर हम तारीख पढ़ें तो हमें मुसलमान गैर मुसलम सब, सब इम्तहान में से गुजरते नज़र आते हैं अलबत्त कुफार के लिए यह अज़ाब बन जाता है और मुसलमानों ममनों मु के लिए ये अल्लाह की तरफ से रहमत बन जाता है क्योंकि उसके साथ कोई नतीजा कोई सिला जुड़ा हुआ है ठीक है और दूसरी बात हम ये समझते हैं कि बाज़ुका हम काम ही गलत कर रहे होते हैं उसका जो साइड इफेक्ट आएगा तो वो तो हम अल्लाह के खाते में नहीं डाल सकते मिसाल के तौर पर आप इसी तरह समझें कि एक लड़का रोड के सेंटर में वन व्हीलिंग कर रहा है अब वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो इसको अल्लाह के खाते में हम कैसे डालें ठीक है ये तो साफ समझ आ रहा है कि हमारी हरकत ठीक नहीं है एक बंदा बेईमानी करके रिज कमा रहा है तो वो दस साल बाद एक्सपोज हो जाता है तो वो इसको तकदीर में खाते में क्यों डाल दी खराबी तो उसने की है क्योंकि नबी सल ने फरमाया था कि बात इंसान अपने रिस्क से अपने गुनाह की वजह से महरूम हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसका साइड इफ़ेक्ट उसको फेस करना पड़े इसलिए हम समझते हैं मेरी ये इसमें एक राय है कि जिन कामों में हमारा कसूर ना हो हमारी गलती ना हो और प्रॉब्लम आ जाए तो हम ये समझें कि ये हमारा इम्तहान है और जिन में हमने गलती की है वहाँ हमें कबूल करना चाहिए कि यह हमारी गलती का रिवर्स आया है हमारी तरफ इसलिए कि अम्बिया के हवाले से जब हम बात करते हैं वह हम सब का है कि वो मासूम अनिल ख़ता हैं वो गलती करते ही नहीं है। है। लेकिन इम्तहानत उन पर बहुत ज़्यादा आए हैं ठीक है तो उस वजह से हम कहेंगे कि अम्बिया भी इम्तहान में से गुजरें हैं आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि नबी सल्ला वम से पूछा गया सबसे ज़्यादा किन लोगों को आज़माया गया आपने फरमाया अम्बिया उन्होंने पूछने वाले ने पूछा इनके बाद तो आपने फरमाया जिस तरह किसी के ईमान का लेवल है उसके उसके बराबर उसकी आजमाइश है जितना किसी का ईमान मजबूत होगा उतनी उसकी आजमाइश सख्त होगी और जितना ईमान कमज़ोर है उतना उसकी आजमाइश कमज़ोर ठीक है ये एक हदीस में ये सारी चीज़ें आती हैं और इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जब भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए मेरा ख्याल है कि अम्बिया का तरीका बड़ा खूबसूरत है हमें बजाय इसके कि हम कहें यहाँ मेरी गलती नहीं है तो अच्छा यहाँ गलती नहीं होगी कहीं और हमारी गलती होगी जब भी आजमाइश आए सिंगल रास्ता इसतगफ़ार है रजू अल्ला है हमें इस खाते में नहीं पढ़ना चाहिए कि ये चूंकि तकदीर में था तो आ गया तो मैंने सिर्फ सब्र ही करना है या यहाँ मेरी गलती थी तो अब मैं माफ़ी मांग लूँ नहीं जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किल आए हमारा ज़हन ये होना चाहिए कि हमने तकवा का ट्रैक इस्तेमाल करना और दूसरा अल्लाह से इस्तफार करना नबियों ने यह दोनों ही काम किए हैं क्योंकि अल्लाह है। तला फरमाते हैं मैत तक यज अल्लाह मखरचा जो बंदा तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह मुश्किल से उसको निकलने का रास्ता देगा, ठीक है? है और दूसरी चीज में यह समझाई गई कि जब भी मुश्किल हमारे ऊपर आए जिस तरह के रिजक की परेशानी आ सकती है औलाद के हवाले से आ सकती है और हमारी जानों में आ सकती है तो वो जो नू इस्लाम ने अपनी कौम को कहा था ना क्या मेरी कौम आप इस्तफार करो इसके नतीजे में अल्लाह आप पर मौसा दार नाजिल करेगा जो आपको बेटों और माल के साथ आपको सपोर्ट करेगा आपको सम्राट के ज़रिए रिस्क देगा तो ज़ाहरा है यही हमारी परेशानियाँ आज कल माशरे में और क्या सही सब है सबसे बड़ा मसला ही हमारा रोज़ी रोटी का बना हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से हमारी जो भी परेशानी आए हमारे दो ही रवैये होने चाहिए एक तकबा का ट्रैक कि हम रॉन्ग साइड पर ना जाएँ दूसरा अल्लाह से माफ़ी मांगना वो तकदीर में आ जाए तब जिस तरह हम दुआ कनूत में कहते हैं ना शर्रा माह कज या अल्लाह जो मेरे मतलब तेरा फैसला ऐसा जिसमें मेरे लिए परेशानी है मुझे उससे बस आलें तो वो भी एक तरला मन्नती है और अगर वाकई हमने गलती की है फिर तो सबको समझ आती है सवाय माफी क्या और क्या बनेगा सही अच्छा अगर इम्तिहान के बाद बिलफ़ व शख्स बेसब्री पकड़ लेता है बेसबरा हो जाता है तो अब वो तो इम्तिहान में हो गया फेल तो अब दोबारा भी उसके ऊपर इम्तान आ सकता है तो अल्लाह ताला के जो आप कह लें कि अल्लाह ताला के आप उसके क्या क्या मकाम होगा जब उसने बेसब्री की इम्तहान आने के बाद तो उसने अल्लाह से चलें शिकायत नहीं की लेकिन सब्र नहीं हुआ सब नेक था सब कुछ था लेकिन मुसीबत आ गई पता है, खुदा की तरफ से आई है लेकिन सब्र नहीं हो रहा कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं ऐसे हालात बन जाते हैं तो वहाँ पर अल्लाह ताला क्या उसको दोबारा नहीं आजमाएंगे या उसको मौका मिलता जाएगा उसके मर, मरते दम तक नहीं ये देखें ये कैसा जिंदगी टोटल इम्तिहान है आप इसमें यह नहीं कह सकते कि इस स्टेप से गुजरें तो उसके बाद आप पास हो गए तो फिर कोई इम्तिहान नहीं सब में पास होना या फेल के चांसेस हैं देखें हम सारे इंसान ऐसे हैं हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आज़माता है अगर वो अल्लाह से राजी रहे तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है अगर वो नाराज़ हो जाए अल्लाह से तो अल्लाह भी उससे नाराज़ हो जाता है ठीक है ये स्टैंडर्ड है कि बंदे ने एक कह लें कि अपनी कारकरी पेश करनी है तो उस कारदगी की बेस पे उसको इनामत मिलने हैं अगर अच्छे तरीके से सरवाइव करता है इनाम मिलेंगे गुनाह माफ होंगे बंदा अगली क्लास में बैठेगा अगर वो फ़ेल होता है तो सारी ज़िंदगी उसी क्लास में बैठेगा और क्या होगा सही, सही है एल जो है हम जिन्स परस्ती का जो आजकल बड़ा ज़ोर शोर चल रहा है तो अल्लाह ताली अल्ला सलानत से, से बचाए तो आप समझते हैं कि ये यकिन मतलब कोम लूत अमल तो इसकी तो इस्लाम ने बहुत सख्त इसमें तो वहीद आ चुकी है तो आप इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे जो है इस चीज़ से बचने के लिए और आपका इसके ऊपर क्या मौका हम जिन परस्ती के हवाले से बड़ी ह्यूमन राइट्स को भी जो है वो तंजीमें भी इसके हक़ में बोल रही हैं यहाँ तक कि मतलब बहुत से ऐसे जो हम कहेंगे कलमा रसूल पढ़ने वालों के भी दिमागों में जो है ना ये वसवसा है कि शायद इसकी गुंजाइश निकली हुई है या निकलनी चाहिए या निकल सकती है ये कैसी बात है देखें इस बात को तो हमें संजीदगी से लेना चाहिए कि एक ज़रूरत लीगली जब किसी की पूरी नहीं होगी फिर वो इ रास्ते तलाश करता है ओके okay. और लीगल ज़रूरत पूरी करने के लिए निकाह से बढ़ के हमारे पास कोई बेहतरीन रास्ता नहीं है दूसरी चीज़ उसमें ये आ जाती है कि जो हमारा माहौल है जी उस माहौल में कुछ चीज़ों को स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप हम लो प्रोफाइल में लेके आ रहे हैं हालांकि वो है नहीं थी मसलन एक सहाबी कहने लगे कि जिन गुनाहों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम हलाक कर देने वाला समझते थे कि इतना डरते थे आज के दौर में लोग उनको बाल बराबर भी नहीं समझते तो वक्त के साथ गुनाहों के वाले से जो बंदे की बेखौफी है ये बड़ी है और जब बुराई बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है शायद इसलिए यह जो तासर है नज़ी युबुना अन तशी अल्फाश तो फिर लजीना आमन लहुम अज़ाबनआलीम फ़िरफ़िर वल्लम तुम्ला तम अब ये एक गंदा काम है और जो शख्स भी मर्द औरत इस काम में मुलवस हुआ या इसको प्रमोट करने में वो किरदार अदा करेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों में लोगों के लिए दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब है अब जिस का जिस काम के नतीजे में दर्दनाक अजाब दुनिया और आख़रत में है तो वो किस तरह उसके लिए कोई नरमी आसानी हो सकती है प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि आज बुराई को करने के लिए जितना फैसिलिटेट कर दिया गया है लीगली उनको तफ़ुज दे दिया गया है फिर उनके लिए अगर वो कहीं काबू आ जाएँ तो आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं और फिर अगली अफसोस वाली बात यह है कि वो मुआरे के जो हमारे मशरकी और दीनी मुआरे को कह रहे हैं कि तुम भी इस लाइन पर चलो अगर तो वो कामयाब हो गए हैं फिर तो कोई बंदा सोचे भी उनके ओल्ड हाउसेस की आबादकारी और उनके ख़ानदानी नज़ाम की बर्बादी ये इस बात की दलील है कि वो फ़ेल हो गए हैं अगर वो कामयाब होते तो आज सबसे ज़्यादा खुदकुशी की रेशो उनके मुल्कों में ना, ना होती आप मुसलमानों के जितने भी मुल्क तलाश करें अगर टॉप टेन ममालक वो देखें जहाँ ख़ुदकुशी की रेशो सबसे ज़्यादा है, उनमें एक मुल्क भी मुसलमानों का नहीं है तो फ़ितरत से जब भी इंसान टकराया फेल हुआ है इस लिहाज से मैं समझ अच्छा दुनिया तो उनके लिए जन्नत है काफरों के लिए तो देखिए जन्नत सहूलतों के लिहाज से कुछ लोगों ने कही है लेकिन मैं है। उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ममन के लिए दुनिया जेल है जी। और काफरों के लिए जन्त है लेकिन यहाँ इससे मुराद नियमतों को शायद हम ना लें यहाँ हमसे मुराद लें कायदे ज़ाबते की रूल्स एंड रेगूशन की पाबंदी कि मुसलमान को ये देखना है ये नहीं देखना ये खाना ये नहीं खाना और वो शोर खाएँ वो जो उसने खाना है जो करना है वो कर पाबंदी है वहाँ कोई पाबंदी नहीं मसल मुसलमानों के लिए बहन है सही, सही, ठीक है सही। ना तो इस लिहाज से हम जेल फ़ील करते जेल हैं फील उनके लिए बहन कोई नहीं क्योंकि वो सिस्टम खुद बना रहे हैं हम अल्लाह के पाबंद हैं वो अपने नफ्स के पाबंद हैं तो जिसने नफ्स की गुलामी में चलना उसने तो कहना हर चीज़ जायज़ करार देख लेकिन मुसलमान अल्लाह तला का पाबंद है नबी सल वसम का पाबंद है तो हमारे लिए पाबंदियों की वजह से ये जेल वाली बात है बाकी क्या मुसलमान अरबपति नहीं क्या आम मिडिल क्लास के मुसलमानों के घरों में हर चीज़ मौजूद नहीं है तो अगर खाने पीने कोई हम जन्नत और जहन्नम बना लें तो ये तो बड़े मुसलमान अल्लाह के फजल से जिनके पास बड़ा कुछ है अरब कंट्रीज़ क्या सारे माशाल्लाह तरक्की याफ़्ता नहीं है तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ सिंगल ये वजह है पाबंदियों का जो मसला है कि हम अल्लाह के पाबंद पाबंदें कि दिल करता है ये काम कर लें ऊपर से अड आता है नहीं करना हम कहते हैं जी नहीं करते सही तो वो कहते हैं हम किसी के पाबंद ही नहीं है तो उन्होंने इस अंदाज़ में जन्नत बनाई हुई है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल उनके माशरे उनका ख़ानदानी निज़ाम वो डिस्टर्ब हो गया है तो हमारे लिए हाँ मैं ये यहाँ ये बात मैं ज़रूर मैंशन करना चाहूँगा आम सादा मुसलमान नमाज तो वो भी पढ़ता है हर नमाज की हर कात में वो क्या कहता है कि अल्लाह हमें यहूद नसारा के रस्ते पर चलने से महफूज़ फरमा क्योंकि उनमें से एक गुमराह हुआ दूसरे पर तेरा गज़ब आया तो जब हम नमाज़ में ये कहें कि इनके ट्रैक पर चलने से बचा और बाहर निकल के कहें यार ज़िंदगी तैरना दिए तो ये मुसलमान को जेब नहीं देता नहीं। वहां हम कह रहे हैं इनसे बचा और बाहर आके कह रहे हैं हसरत कर रहे हैं कि काश हम उनके रास्ते पे चले नहीं अल्लाह के नज़दीक भी वो फ़ेल हैं अल्लाह के बंदों के नज़दीक भी वो फ़ेल होने चाहिए सिर्फ़ रोज़ी रोटी और कपड़ा मकान ही अच्छा मिल जाए ये ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं ये ज़िंदगी का एंड और मकसद हयात नहीं है जिन्होंने इसको मैार बनाया वो फिर बेचारे शर्मिंदा होते हैं, उनको देख देख के आ, हम तो दुनिया में वैसे ही आए हैं चक्कर ही लगा है हमारा लेकिन मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान की है फिर उसके पास इज्जत हया की दौलत है और इन शाह आखरत के मुकाबले में कोई दुनिया का शख्स इसका मुकाबला नहीं कर सकता बिल्कुल बड़ी खूबसूरत नसीहत की आपने लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सूद जो है वह अल्लाह की नाराजगी का सबब है तो अभी चलें एक तो खुश आइंद बात है कि ट्वेंटी ट्वेंटी एट में ख़त्म होने जा रहा है तो वैसे तो बहुत पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए थी तो आप मतलब इसके अगर खुले लफ्जों में बयान करूँ तो यानी इन शॉर्ट ये कि जो सूद अल्लाह से जो जंग है वो अब दो हज़ार अट्ठाईस में जो है वो ख़त्म होगी तो इससे पहले जो कुछ अभी होता रहा उस पर हम बात नहीं करते तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि ये जो हमने पूरा मुल्क इस दलदल में सूद के दलदल में जो धकेला हुआ था तो अब इससे निकलने के लिए इंशाल्लाह और आइंदा जो है आप मुस्तकबिल पाकिस्तान का किस तरीके से देखते हैं और इसके अलावा मुझे अपना पैगाम भी दीजिएगा नौजवानों के लिए जो आज की हमारी जो गुफ्तगू रही है कुरान पाक के हवाले से कोई ऐसा पैगाम नसीहत जो आप देना चाहें देखिए हमारे यहाँ एक तो लग्ज़री स्टाइल जिंदगी का इसने लोगों को खींच के घसीट के सूद में गिराया मतलब पता चलता है कि यार मेरे वसायल इतने हैं वो कहता है यार छोड़ो वसायल का क्या मसला है यहाँ से लोन ले लो वहाँ से लोन ले लो ठीक है ना तो दुनिया को हमने दिखाना है कि हम लग्जरी स्टाइल में रह रहे हैं लेकिन वो हमारी अप्रोच से होता बाहर है इसी तरह जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारी यहाँ बेशुमारिसमेनेजमेंट इस तरह की है कि आप इसी तरह समझ लें कि एक जगह ज़रूरत है डेढ़ सौ मुलाज़मों की मुलाजम वहाँ सात सौ बैठे अब बंदा पूछे कि ये जो बाकी साढ़े पाँच सौ ये क्या कर रहे हैं उनको मुफ्त में हमने तनख्वाहें देनी है एक मिसाल दे रहा हूँ अब ये जो खाते हैं ना गहरे इनको फिल करने के लिए फिर हमें बाहर से मांगना पड़ता है मिन्नतें करनी पड़ती हैं और उनका तो निज़ाम ही सूद क्या? सही ठीक है हो ही नहीं सकता कि इंटरनेशनली हमें सूद के बगैर वो कर्ज़ दें अब हम उनके सामने जो हाथ फैलाते हैं आज तक जितना कर्ज हम वापस कर चुके हैं सिर्फ सूद की किस्तों की शकल में असल कर्ज तो वापसी की शकल नहीं बन रही अब भी हमें लोगों से सूद पर की रकम लेके तो सूद की किस्तें देने में हम इस्तेमाल हो रहे हैं असल कर्ज वाली तो बातें नहीं चल रही लेकिन हमारी पूरी कौमी सतह पर जो कौम है उसका सूद का सूद के अंदर गर्क होना सबको नज़र आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक तो स्टेट लेवल पे मैनेजमेंट इस तरह की करनी चाहिए कि हम अपने जो अल्ले तलल्ले हैं ना उनसे हम जान छुड़ाएं जो चीज़ें हमने खाम खा एक स्टेटस सिंबल बनाई हैं और हमारी वो औकात नहीं है उस लिहाज से उससे जान छुड़ाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुआशी बोझ कम होंगे तो स्टेट उससे बाहर निकलेगी सिविल सेक्टर में आके हम हकीकत पसंद बने कि जो अल्लाह ताला ने जितनी मुझे चादर दी है उसके मुताबिक मैंने पाँव फैलाने हैं और मैं तकल्लफ़ करने के बजाय मैं ना एक हकीक़त पसंद ज़िंदगी गुजारूँ यकीन करें कि आप बड़ी लग्जरी ज़िंदगी गुजारें लोगों को इससे भी कोई ख़ास गर्ज नहीं आप हैंड टू माउथ अपना गुजारा करें लोगों को इस पर भी कोई इतनी परेशानी नहीं लेकिन क़्यामत को जो जवाबदही है वो आपकी इंडिविजल है उसके ना। साथ ना रिश्तेदारों ने खड़ा हो ना, ना मोहल्ले वालों ने तो हम इस चीज़ को बुनियाद बना के ज़िंदगी को मैनेज करेंगे जितने हमारे वसायल हैं तो फिर हम ये इस तरह की मुसीबतों से बढ़ सकते हैं और तीसरी और आखिरी चीज में ये आ जाती है अल्लाह करे कि कोई ऐसी सेटिंग बन जाए कि 2028 में सोल से हमारी जान छूट जाए लेकिन हकीकत ये है कि इसमें इस वक्त भी इस्लाम के नाम पर जो बैंकारी चल रही है ये भी इल्म के नज़दीक जो, है। जो लोन ले रहे हैं जी, तो जी उसकी जी तो गुजाइश नहीं है तो उसके हवाले से बताइए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामिक बैंकिंग जो इस्लाम के नाम पर हो रही है उस पर वो मुतमिन नहीं है ठीक है ठीक है कुछ लोग काम कर रहे हैं उन्होंने समझा कि थोड़ा इस इतनी अमेंडमेंट के बाद ये बेहतर है वो बेहतर है लेकिन एक बड़ी तादाद ये देख रही है कि जिस तरह आम बैंकों का सिस्टम और मेकानिज़म है बिल्कुल उससे मिलता जुलता इस्लाम के नाम पर कायम बैंकों में प्रॉब्लम है तो वहाँ हती के मुलाजम दोनों बैंकों के जब इधर उधर होते हैं तो वह कहते हैं चेंज तो उसमें फ़र्क तो हमें कोई नज़र नहीं आता है जरिए करते हैं रकम के जरिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैं यहाँ ऐसा कोई फतवा नहीं देने की पोजिशन में कि मैं किसी को हराम हलाल करार दे दूँ मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वह चीज़ें बहरहाल मतनाज़े हैं तो ऐसा ना हो कि हम आ, कोई ऐसी अमेंडमेंट कर बैठे कि दिल को तसली हो कि हम पास हो गए हैं। लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चले कि हम पास है। नहीं है तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ जो वाकई खैर की बात है पूरी दुनिया में मुसलमानों को आपस में बैठ के जो इस्लामिक मीशत का निज़ाम है उस पर मैं समझता हूँ कि बैठ के मशवरा करके अल्लाह से डर के फैसला करना चाहिए आ, ऐसा नहीं कि हम अपने मफादात और अपना अपनावियन वो कुरान की पॉलिसी बना दें बड़ी दुनिया है वो अल्लाह ताला तो रम फरमाए मैंने कितने इंटरव्यू सुने हैं जो प्योर गुनाह का काम करते हैं वो एक दलील देते हैं वो कहते हैं हमारे इसके बगैर गुजारा ही नहीं तो आम बंदा क्या समझे कि अब इसके लिए हलाल हो गया तो इसलिए अल्लाह से डर के इस पर माहरीन को बैठ के फैसला करना चाहिए बहुत शुक्रिया आपका आपकी तशरीफ़ अवरीक और आपने जो आज इतना खूबसूरत नसीहत आमोज जो है प्रम जो है हमारे लिए आपने दिया है अल्लाह ताला आपको इसकी जय खैरत आ मैं 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 मवतानियों इसी के साथ प्रोग्राम का खत्म हो जाता है इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में नए टॉपिक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे मुझे इजाज़त दीजिएगा रहमतुल्लाहि व बरकातहू